डॉक्टर असरार अहमद मरहूम यहूदियत और इसराइल को मलून और लानत जदा करार देते थे डॉक्टर असरार अहमद के मुताबिक इसराइल इस्लाम और पाकिस्तान का दुश्मन नंबर एक है। डॉक्टर ज अता किया गया जनरल हक डॉक्टर असरार अहमद को बहुत पसंद करते थे और उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन को हिदायत की डॉक्टर असरार अहमद का एक शो शुरू किया जाए डॉक्टर इसरार अहमद ने इस्लाम और पाकिस्तान के मौजूद पर कोई पांच दर्जन से जायद किताबें लिखी हैं उन्हें ना कोई लालच दी जा सकती थी ना किसी तरह के दुनियावी खौफ से डराया जा सकता था वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाक साल आपकी खदमत में हाजिर है मुमलिकत खुदादा पाकिस्तान के कौमी शायर हजरत अल्लामा इकबाल रहमत ने फरमाया था गर तुम्हें खाही मुसलमा जीस्तन मुमकिन जुज्बा कुरआजन इसका तर्जुमा कुछ यूं है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम मुसलमान की ज़िंदगी बसर करो तो ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि तुम कुरान मजीद को मुसलसल पढ़ा करो और उस पर अमल किया करो जदीद दौर के मरूफ़ आलमबल इस्लाम गरजदार आवाज़ रखने वाले शोला बयाँ मुकर्रमदा दर्जे के फ़कीह डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम ने इसी नुकते पर अमल करना और दुनिया भर के मुसलमानों में इस बात का शूर फैलाना अपनी अमली जिंदगी का बुनियादी नुकता बनाया और उम्र भर यही फरीजा सर अंजाम दिया डॉक्टर इसरार अहमद राजगढ़ राजपूत खानदान से ताल्लुक रखते थे उनका खुंबा मशरक़ी पंजाब के इलाके हिसार का रहने वाला था हिसार आज भारत के सूबह हरियाणा का एक जिला है डॉक्टर इसरार अहमद की पैदाइश छब्बीस अप्रैल सन उन्नीस सौ बत्तीस को हुई उनके वालि एक सिविल सर्वेंट थे डॉक्टर इसरार अहमद ने इबदाई तालीम हिसार में ही हासिल की मगर आज़ादी हिंदुस्तान के साथ ही उनका सारा खानदान पाकिस्तान मुंतकिल हुआ और सबका मुंडगुमरी और मौजूदा साहिवाल शहर में रिहाइश इख्तियार की डॉक्टर इसरार अहमद कुछ अरसा साहिवाल में भी जेर तालीम रहे फिर उनका किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया जहां उन्होंने सन उन्नीस में एम की डिग्री हासिल की और बाकायदा डॉक्टर बन गए जिंदगी का कुछ अरसा उन्होंने की प्रैक्टिस में भी गुजारा और साहिवाल के लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फ्राहम करते रहे डॉक्टर इसरार अहमद का दिल उम्मत मुस्लिमा के दर्द से मामूर था और उनका मुतालिया और उनका गौरव फिक्र उनको रफ्ता रफ्ता उस सतह पर ले आया कि उनकी शख्सियत में इनकलाब बरपा हो गया डॉक्टर असरार अहमद ने अपनी प्रैक्टिस को तर्क करके अपनी जिंदगी को तबलीग इस्लाम के फरीजे के लिए मखसूस कर देने का इनकलाबी फैसला कर लिया जमाना तलब इलमी में डॉक्टर असरार अहमद पहले मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के मतहरक रुकन थे फिर आप जमात इस्लामी के बानी मौलाना अबुल आला मददी की तालीमत से मुतासर हुए और जमत इस्लामी से मुंसलिक तलबा तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा से मुंसलिक हो गए और एक वक्त ऐसा आया कि वो इस्लामी जमीयत तलबा के नाजम आला बन गए डॉक्टर इसरार अहमद इस दौरान कराची मुंतकिल हो गए थे जहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में दाखिला लिया और सन उन्नीस सौ पैंसठ में एम ए इस्लामी कर लिया जमात इस्लामी जो दरअसल एक इनकलाबी इस तंजीम के तौर पर उभरी थी और पठानकोट मशरकी पंजाब में मौलाना अबुल अला मधुदी ने दार कायम किया था जहाँ पूरे हिंदुस्तान के आली दिमाग मुसलमान इकट्ठे हुए थे और आलम इस्लाम की निशात सानिया से लायक ज़रूरियात और इस बारे में मुमकिन पर गौर करते थे लेकिन पाकिस्तान बन जाने के बाद जमात इस्लामी ने इंत सियासत का रुख कर लिया जिससे अंदरून ख़ाना इख्तलाफा का बाजार गर्म हो गया कुछ लोग चाहते थे कि जमात इस्लामी इंतबी सियासत में भरपूर हिस्सा लें मगर कुछ लोगों का मौक़ था कि जमत इस्लामी को अपने इनकलाबी मौक़ पर ही कारबंद रहना चाहिए क्योंकि मौजूदा इंतबी निज़ाम जमात को अपनी बुनियादी असूलों से इन हराफ पर मजबूर कर देगा डॉक्टर असरार अहमद भी उस वक्त जमात इस्लामी के इंतबी अमल में शरीक होने के खिलाफ थे इसीलिए जहां बहुत से दीगर लोग जमात इस्लामी से अलग हुए वो भी जमात इस्लामी से अपनी राहें जुदा कर गए सन उन्नीस सौ में जमात इस्लामी छोड़ देने के बाद डॉक्टर असरार अहमद कुरान मजीद से अपना ताल्लुक मजबूत करते चले गए कि सन 1972 में उन्होंने लाहौर में की। के तहत कुरान मजीद की तलीमो तबलीग का खूब अच्छी तरह से किया जाता रहा। ने कुरान की। और इस सिलसिले की दो अकेडमी लाहौर और कराची में कायम हैं। कुरान अकेडमी लाहौर के ही एक मुख्तर से हिस्से में डॉक्टर असरार अहमद अपने अहल खाना के साथ मुकीम रहे सन उन्नीस सौ पचहत्तर में डॉक्टर असरार अहमद तनजीम इस्लामी पाकिस्तान का कयाम अमल में लाए और इसके पहले अमीर मुकर हुए सन 2002 में शीद अलील होने तक वो ख़ुद ही तंजीम इस्लामी पाकिस्तान के अमीर रहे और फिर तंजीमी शुरा के फ़ैसले के मुताबिक तनज़ीम इस्लामी की क़्यादत उनके फ़र्जंद हाफिज आकफ़ सईद ने संभाल ली बुनियादी तौर पर डॉक्टर शार अहमद हज़रत इकबाल रहमत मौलाना शबीर अहमद रहमत उस्मानी रहमतल मौलाना अबलकलाम आज़ाद रहत मौलाना अबूला मौदूदी रहमतल हमीदुद्दीन फ़राहि रहमिल अमीन अहसन असला और जनाब मोहम्मद रफ़ीद्दीन रहमत ला से मुतासर थे जबकि हज़रत शाहियाल रम्है और उनकी रोशन तलीमत डॉक्टर इसरार अहमद के लिए मीना रूर की हैसियत रखती थी डॉक्टर इसरार अहमद के लेक्चर्स पाकिस्तान समेत जनूबी एशियाई ख़ते के तमाम ममालिक मुसलमानों में यकसा तौर पर मकबूल हुए जबकि मशरक़ वस्ता मगरबी यूरोप और शुमाली अमरीका में रहने वाले और उर्दू बोलने वाले मुसलमानों में भी डॉक्टर इसरार अहमद के दीनी काबिशों ने खूब पजीराई हासिल की डॉक्टर इसरार अहमद फलसफा इस्लाम पर अबूर रखते थे जबकि कुरान सन्नत की तशरी तबलीग में वह हकीकत पसंदी का रवैया अख्तियार करते दावतल कुरान खिलाफत का आहया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज पर इस्लामी इनकलाब उनकी तलीमत के मरकजी नक़ात थे दूसरी जानब डॉक्टर असरार अहमद मॉडर्न जमहूत के शदीद नाक़दों मुखालफ थे बल्कि वो तस्वुर जमहूरीत को इस्लाम की जिद समझते थे डॉक्टर असरार अहमद के ख़्याल के मुताबिक इस्लामी खिलाफत के अया के लिए ख़त अरब नहीं बल्कि पाकिस्तान मरकजी मुकाम था डॉक्टर साहब पाकिस्तान में निज़ाम खिलाफत के क्याम और शरीत इस्लामी के नफाज के लिए उम्र भर कोशाँ रहे इन्हीं मकासद को पेश नज़र रखते हुए उन्होंने सन उन्नीस सौ इक्यानवे को तहरीक खिलाफत की बुनियाद रखी डॉक्टर इसरार अहमद मगरबी अकदार को इस्लाम और पाकिस्तान के लिए ख़तरा समझते थे वहीं यहूदियत और इसराइल को मलून और लानत जदा करार देते थे उन्होंने सेहूनियों को शैतान के पैरोकार करार दे रखा था डॉक्टर असरार अहमद के मुताबिक इसराइल इस्लाम और पाकिस्तान का दुश्मन नंबर एक है लेकिन इन सब ख्याल और उनके मुसलसल तशहर के बावजूद डॉक्टर असरार अहमद ने कभी मकालमे मुबासे में तहजीब का दामन हाथ से ना छोड़ा और ना ही अपनी तंजीम को कभी तशद पर उकसाया तंजीम इस्लामी पाकिस्तान की वाद तंजीम है जिसने कभी अपने एहतजाज के दौरान रास्ते बंद ना किए ना ही कभी खश्त बारी वगैरह जैसे इश्तल अंगेज तरीके किए। डॉक्टर साहब अपने पैरोकारों को हमेशा सब्र सब्रहमल तो की तलकीन करते उनकी ऑडियो कैसे और वीडियो कैसेट भी दुनिया भर में मशहूर हुई सबक सदर पाकिस्तान जनरल जियाउल हक डॉक्टर इसरार अहमद को बहुत पसंद करते थे और उन्होंने न सिर्फ अस्सी की दिहाई में उन्हें मजलिस शुरा का रुकन बनाया बल्कि पाकिस्तान टेलीविजन को हिदायत की कि डॉक्टर इसरार अहमद का एक शो शुरू किया जाए जिसमें वो कौम को इस्लामी तलीमत से रोशनास कराएं ये अपनी तर्ज का एक मुनफरद प्रोग्राम था जिसमें डॉक्टर इसरार हफ्तावार नशस्त करते थे और इस्लाम के मुख्तलिफ़ मौजुआत पर लेक्चर दिया करते थे पी से उन्होंने बहुत से मगरबी अतवार का ख़ात्मा किया मगर जब उन्होंने क्रिकेट मैचेस को पी से बैन करने की तजवीज़ दी तो इस हिस्से को प्रोग्राम से सेंसर किया गया और इस सेंसर पॉलिसी पर एहत करते हुए डॉक्टर इसरार अहमद ने पी को ख़ैर बात कह दिया डॉक्टर इसरार अहमद औरतों के हिजाब के कायल थे एक बार उन्होंने कहा कि औरतों को सिर्फ तिब और तालीम के पेशे अख्तियार करना चाहिए इस बात पर भी मुल्क में बहुत तनाज़ा खड़ा हुआ बहरहाल उस ज़माने में डॉक्टर असरार अहमद को हकूमत पाकिस्तान की जानब से रियासत का सिविल कौमी एज़ाज़ सितारा इम्तियाज़ अता किया गया डॉक्टर असरार अहमद से असरात कबूल करने वाली मशहूर शख्सियात में इमरान बिन हुसैन डॉक्टर जाकिर नाइक नुमान अली ख़ान शिजाउद्दीन शेख मोहम्मद यासिन और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा शामिल हैं। डॉक्टर असरार अहमद ने इस्लाम और पाकिस्तान के मौजूद पर कोई पाँच दर्जन से जायद किताबें लिखी हैं मतदद पम्फलेट्स बी सी ओ मजामी और दर्जनों कलम तहरीर किए हैं डॉक्टर असरार अहमद की मतदद कुतुब का अंग्रेज़ी समेत नौ मख्लिफ़ानों में तर्जुमा हो चुका है सीरतुलनबी सल्हुले वसलम काजमाली मुत फ़लसफ़ा इनकलाब के नुकतः नज़र से इकबाल कायद अजम और नज़रिया पाकिस्तान पाकिस्तान में खिलाफत क्या क्यों और कैसे बसायर इस्लामी निशात सानियाँ मुतर हकीम का मंतख नसाब वाक़ करबला मुसलमान औरतों की जिम्मेदारियाँ पाकिस्तान एक फ़ैसला कुल दौराहे पर उम्मत मुसलिमा के लिए तीन निकाती एजेंडा खतबात खिलाफत सबका और मौजूदा मुसलमान उम्मतों का माजी हाल और मस्कबिल और पाकिस्तान की जिम्मेदारियाँ अमामा इकबाल और हम दावत रजूल अल्लाह का मंजर व पस मंज़र मलफूजात डॉक्टर असरार अहमद असलाह माशरा का कुरानी तसवुर नबी अक्रम सल्ह वसम से हमारे ताल्लुक़ की बुनियादें तोबा की अज़मत और तासी हकीकत वकसाम शर्क कुरान के हम पर हकूक इस्लाम और पाकिस्तान इकबाल और हम पाकिस्तान की सियासत का पहला आवामी और हंगामी दौर ये तमाम जनाब डॉक्टर असरार अहमद की मशहूर कुतुब हैं डॉक्टर असरार अहमद थे तो दरअसल इतिहाद बैर उमुसमी के दाई मगर उनके हकीकत पसंदाना अंदाज़ के बायस उन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का हदफ भी बनाया जाता रहा मगर उन्होंने खुद पर होने वाली तनकीद की कभी कोई परवाह नहीं की वो धौस धमकी वगैरह से मरूब होने वाले इंसान थे। उन्हें ना कोई लालच दी जा सकती थी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और नतीजे में अपनी तकरीरों तहरीर पर पाबंदियां भी बर्दाश्त की अखबार उस दौर में उनकी प्रेस रिलीज तक ना छापते थे और उनके बयान छापने से भी गुरेज न थे सन दो में यहूदियों और इसराइल की मुखालफत की शिकायत पर यूट्यूब ने उनका चैनल भी बंद कर दिया था उस वक्त यूट्यूब पर उनके कमो बेश तीस लाख फॉलोअर्स थे उम्मत मुस्लिमा के इस बतले जलील ने बिल 14 चौदह अप्रैल सन दो हज़ार दस को लाहौर में दाइ अजल को लब्बैक कहा और अपनी जान जान आफरी के सपुरद कर दी तारीखी जनाजा हुआ और लाखों लोगों ने शिरकत की लाहौर की मिट्टी ने ही उनकी मैयत को वसूल किया उनकी तुरबत आज भी कच्ची है और उस पर कोई मज़ार तामीर नहीं किया गया उनकी वफात पर डॉन अखबार ने लिखा कि डॉक्टर असरार अहमद अंजुमन ख़दाम कुरान तंज़ीम इस्लामी और तहरीक खिलाफत के बानी थे पाकिस्तान भारत और मशरक़ वस्ती के ममालिकूस सऊदी अरब में उनके पैरोकारों की बहुत बड़ी तादाद थी उन्होंने अपनी ज़िंदगी के चार अशरों से जायद अरसा, क़ुरान मजीद की तबलीग व तरवीज और इस्लामी फ़लसफ़े की नशर वशात में सर्फ़ कर दिया डॉक्टर इसरार अहमद के नुक़ नज़र से वो जिस नुक़ः नज़र से इस्लाम को देखते थे उससे बहुत से लोग इख्तलाफ़ भी करते हैं और बहुत से लोग इतफ़ाक़ भी करते हैं लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉक्टर असरार अहमद इस जनरेशन के बहुत बड़े मुबलग इस्लाम और इस्लामिक फिलोसोफर थे अगर आपने उनके लेक्चर्स नहीं सुने तो वो यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर मौजूद हैं आप ज़रूर सुनिए आपको शायद कुछ चीज़ें समझ में आएँ तो और बहुत से सवालत आपके जहन में जन्म लें बाक़ी उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ थोड़ी सी तफसलत हम चाहते थे कि आप तक पहुँचाएँ और जो उनकी बेसिक इस्लामिक आइडियोलॉजी है उससे भी आपको रूशनास कराएँ इस बारे में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा हम मंतज़र रहेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा शुक्रिया